अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारा विश्वास है उन हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और जनता पर जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत हमारी ही होगी। क्या अंतर रहेगा साथी जी? ये तो अभी समय, आने वाला समय बताएगा। इस बारे में मैं बहुत स्पष्ट कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या फीडबैक मिला कार्यकर्ताओं से? मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, और सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि इस बार हम ही जीतेंगे, कांग्रेस ही जीतेगी ग्वालियर। एग्जिट पोल को लेकर बड़े मनोरंजन पोल ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? ईवीएम में क्या ग्वालियर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, ईवीएम में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर की बात नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश हमेशा है, और जब देश के 22 राष्ट्रीय दल ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस पे इतनी हठधर्मी क्यों है। हमारी मांग है, हमारी पार्टी की, और 22 राष्ट्रीय दल भारत के, इतनी बड़ी संख्या में जब ये मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग मानी जानी चाहिए। मैं भी उससे सहमत हूँ। कल हाईकोर्ट में भी एक याचिका पेश हुई है कि 20 लाख मशीनें यहाँ से गायब हैं, मतलब पूरे देश से। नहीं, मैं इस बारे में, मेरे को कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित तौर से बहुत गंभीर विषय है। क्या लगता है कि जो मतगणना हो रही है, अब कोई गड़बड़ी नहीं होती तो आपकी जीत है? कुछ हमारी जीत है, निश्चित है। अभी आप अपनी मतगणना अभिकर्ताओं से मिले हैं, आप अभी सभी से किस तरीके से बात करके आए हैं? सभी से मिला और सभी उत्साह से हैं और अपने काम पे लगे हुए हैं।